और इसके बाद अजीजानेमान सूरह बकरा की वो आखिरी आयत आ गई। याद रखिएगा, जैसे हर आयत के आखिर में जो खुदा की सिफत बयान होती है, मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया था, उससे से यूं ना गुजर जाया करो कि कहीं उसने गफूर रहीम कह दिया, कहीं उसने अलीम वसीर कह दिया, कहीं खबीर कह दिया। ये बात नहीं है। ये इसलिए नहीं कि वहां कोई उसने काफिया लाना है या रदीफ के लिए ये अल्फाज लाने हैं। याद रखिए, उस सिफत खुदाबंदी का उस आयत के नक्श माजू से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है जो वहां कुरान लाता है। कुरान की आयत के बेशतर मफहूम जो थे, मैं अपना भी अर्ज करूंगा, ये जो आखिर में कुरान लाया था खुदा की सिफत, उससे उस मफहूम पे रोशनी पड़ जाती है जाके कि बात क्या कहना चाहता है। इसी तरह से हर सूरत के आखिर में जो कुरान आयत या एक दो आयात लाता है, सम अप करके रख देता है, उसके अंदर इर्तिकाज होता है, उसमें तत् कड के रख देता है उस चीज का। सूरह बकरा तीसरे पारे के भी निसफ तक आ जाती है, करीबन अढ़ाई पारे की एक सूरत पहली है ये। बात क्या कहना चाहता है, सारी चीज इंसानी कलब के अंदर उसकी सलाहियतों को बेदार करना, उनको कवानीन खुदाबंदी की चैनल के अंदर लेके चले जाना, कदम कदम के ऊपर अपनी कमजोरियों पे निगहदाश्त करना, उन कमजोरियों को बदलने की, उनकी जगह अपने अंदर सलाहियतें बेदार करने की तमन्नाएं और आरजूएं पैदा करते चले जाना। अब ये देखिए, सबसे पहले तो इक्तदार खुदाबंदी आता है, लिल्लाहे मा फिस समावात व मा फिल अर्द, कायनात की पस्तियों और बुलंदियों में हर शय खुदा के प्रोग्राम की तकमील के लिए सरगर्म अमल। लिहाजा तुम भी तो कायनात ही का एक जुज हो, तुम्हारी हस्ती भी इसीलिए है कि तुम भी उसके प्रोग्राम की तकमील के लिए सरगर्म अमल रहो। किसका वो कार्ड मुझे दे देना, भूलने जाओ। लिल्लाहे मा फिस समावात व मा फिल अर्द। इसके बाद वइन तुब्दू मा फी अन्फुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, तुम जो कुछ जाहरन अमल से करो, हत्ता के जो कुछ तुम्हारे दिल के अंदर भी गुजरे, जो अंदर छुपा के रखो, लोगों की निगाहों से छुपा सकते हो, खुदा की निगाहों से नहीं छुपा सकते। ये खुदा की निगाहें क्या हैं अजीजान-ए-ईमान, ये किस तरह पहुंचनी है? कोई ऑब्जेक्टिवली वहां बैठने के अंदर, मैं समझता हूं सारे सामईन कुरान सुनने आए हैं कि नहीं जी इसमें तो वो भी होते हैं, तुम्हें क्या पता है, ये बात नहीं है अजीजान-ए-ईमान। कोई गैर नहीं है, इंसान की जात जो खुदा के कानून के ताबे सरगर्म अमल रहती है आज शख्स के अंदर, हर शख्स का अमल, हत्ता के उसका इरादा और नियत, एक निशान उस पर पड़ जाता है। यूं कहिए, निशानात दो किस्म के, एक वो है जो उस जात की तकवीयत का और नशो नुमा का बायस बनते चले जाते हैं, दूसरे वो हैं जो उसके इज्मिहलाल और जोफ का डिसइंटीग्रेशन का मूजब बनते चले जाते हैं, साथ के साथ नियत तक इरादे तक उस पर असरअंदाज होता चला जाता है। यही इंसान की जात है जो उसका अमाल नामा कहलाती है। कुरान ने कहा है कि तुम्हारा अमाल नामा तुम्हारी गर्दन में लटका हुआ है, आज लिपटा हुआ है, जहूरे नताइज के वक्त ये किताबन मंसूरा हो जाएगी, खोल के सामने आ जाएगी, तुमसे कहा जाएगा इकरा किताब, अपना अमाल नामा आप पर, आज तू खुद अपने लिए ऑडिटर काफी है। बात सारी इंसान की अपनी जाती, यही किरामन कातबीन है जो इसके ऊपर हैं, यही इसके अमाल नामे हैं, यही वो निगाहें हैं खुदा की जिसे कहा गया है कि कोई शय बच नहीं सकती। इंसान का कोई अमल नियत इरादे तक भी अपना असर पैदा किए बगैर नहीं रह सकता, मुतासर होता रहता है।
ये उसका एक प्रोसेस ये है कि आहिस्ता 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 उसमें एक्यूमुलेटिव इफेक्ट पैदा होता रहता है, जमा होती रहती है चीज, वो जिसे वो सिकले मवाजना और सिफत मवाजना कहता है। पलड़े का झुकना, पलड़े का उठना, दोनों पलड़ों में ये परतियां पड़ती चली जाती। वो कहता है कि अगर तामीरी कामों का पलड़ा भारी है तो तबाही अभी नहीं आती, अगर ये दूसरी तरफ परतियां ज्यादा पड़ती चली गई, मैं इस्तारतन बयान कर रहा हूं ना, और अगर वो झुक गया तो तबाही आ गई। ये है अजीजा ने मन अमाल नामे, ये है उसकी किताबतें, ये है ज़ुहूर नताएज, ये है जन्नत और ये है जहन्नम। इस दुनिया में भी, मरने के बाद भी बच नहीं सकता इंसान कि खुदकुशी कर लूं तो मामला खत्म हो जाएगा, उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकता। इंसान की जात इसके जिस्म के खत्म होने के बाद बाकी रहती है, इसके माने कि उसकी गिरफ्त से नहीं बच सकता, ये नहीं मर सकती, जिस्म तेरा मर जाएगा। जाएगा इसमें इंडिविजुअलिटी पैदा हो गई है, इसलिए तेरा एहसास इसके साथ तबकता है, तू ये है, ये जो तेरी जात है, बाकी सब कुछ तेरा है, ये तू आगे चला जाएगा अपना अमालनामा खुद बनकर। इन तुब्दू माफी अनफुसकुम औतुखू हो यो हासिबकुम बिहिल्लाह। और ये कौन करता है ये इतना इंतजाम कि ख्याल और इरादा तक भी अपना नतीजा पैदा करे। ये तो मौजू बहुत बड़ा है अजीजा ने मन मकाफात अमल का, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक आयत ही अपने सामने रखिए, करे 10:45:22 बड़ी अजीम है। वखलक अल्लाहु समावात वल अर्द बिल हक वाले तुजजा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून। ये सारा तखलीक अर्ज़ो समा, ये कारगाह कायनात, कहा ये इसलिए हमने तखलीक किया है हक के साथ, एक तो बिल हक इसको तखलीक किया है काहे के लिए, ले तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, ताकि हर फर्द को उसके अमल का नतीजा मिलकर रहे। ये कारगाह कायनात इसलिए सरदर में अमल है अजीजा ने मान, कहां बच के चला जाएगा इंसान। यू हासिब कुम बिहिल्लाह, हिसाब करेगा इसके अल्फाज में, लिहाजा कपकपा देने वाली बात है, कहा डरने वाली बात नहीं है। फिर महंगी शाह महंगी, तुम में से जो चाहता है इस तबाहियों से बचना बच सकता है, जो तबाह होना चाहता है तबाह हो सकता है। ये नहीं है कि यूं ही ये कारगा चल रहा है, चक्की जिसको जो सामने आया पीस के रख दिया। जो हिफाजत का सामान अपने लिए मुहैया करना चाहता है वो महफूज रहेगा, जो तबाह हो जाना चाहता है तबाह हो जाएगा। वल्लाहु अला कुल्ल शयइन कदीर, हमने तो हर शय के लिए पैमाने मुकर्रर कर दिए, अंदाजे बना दिए, कंट्रोल हमारा है उन पैमानों के ऊपर। ये होगा कैसे? ये इंसानी माशरे के अंदर हर शख्स का अमल नतीजा खेज कैसे होगा? एक माशरा